मॉर्निंग सत श्री अकाल सब क्योंकि गुड चुके प्रणाम। मैं हूँ आपका मजेदार छोरा। चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। गाइस आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था घर से ऑफिस जाने के लिए, इसीलिए मैं सुबह का आज नाश्ता भी नहीं बना पाया हूँ। और देखिए गाइस, अकेले रहने पर बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन कोई नहीं, इन परिस्थितियों का जम के सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और जैसे कि मुझे अपना काम करने में खुद बहुत मजा आता है, नो डाउट, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गए। मुझे अपने किसी भी काम में कोई भी शर्म नहीं आता और मैं अपना सभी हर एक काम, चाहे बर्तन होता है, झाड़ू पोछा, बहुत शौक से करता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। आज इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे घर की माता या बहने कितना मेहनत करती है हम लोगों के लिए सुबह उठ के लंच बनाना, और हम सभी को उनकी दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो लोग बहुत ही मेहनत करती हैं हम लोगों के लिए। देखिए ना की तरह उसी पहाड़ को पार करते हुए, देखिए कितनी भी परेशानियां मुश्किलें आ जाए उसे कभी डर के नहीं भागना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। रहने पर कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, लेकिन इनका सामना करना चाहिए। जैसे कि आज मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं बना पाया, कोई नहीं, बहुत खुश हूँ, उठा नहाया तैयार हुआ और आज हम अपना ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। ऑफिस आने के लिए अपना ऑटो ले लिया है और हम ऑफिस की तरफ चलते हैं। ये हम अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही मस्त, बहुत अच्छा। ये हमारा AN कॉलेज जो पटना का फेमस कॉलेज है। देख सकते हैं कि मैं अपने ऑफिस पहुंचने वाला हूं, ऑटो से उतर गया हूं और हमारे साथ मिली हमारी लतिका दी। अब अपने व्यूअर्स को हाई कीजिए। और ये बहुत अच्छी है हमारे साथ ऑफिस में, हमारी कलीग है, बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्पफुल है और बहुत मजा आ रहा है इनसे मिलके। सुबह सुबह इनके दर्शन हुए मुझे, बहुत ही मजा आ रहा है। चलते हैं अपने ऑफिस की और मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे के बाद। पता है कि आज मेरा लंच नहीं बन पाया था, आज मैं बहुत लेट हो गया था, इसीलिए आज मैं अपने ऑफिस से बाहर निकल के अपना लंच के लिए जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, मैं और मेरे दोस्त। अपने व्यूअर्स को हाई कीजिए आप। कैसा लग, पहुंच चुके हैं अपनी लिट्टी चोखा की दुकान पे। हमने अपने अंकल को लिट्टी के लिए ऑर्डर दे दिया है और ये हमारे लिए गर्मा गर्म लिट्टी बना रहे हैं। और ये बिहार की फेमस चीज है लिट्टी चोखा, और बहुत हेल्दी होता है खाने के लिए, इसीलिए हमने सोचा अपने लंच में आज हम करेंगे लिट्टी चोखा। देखिए गाइस लिट्टी कैसे अच्छे से सिक रही है कोयले पे, बहुत स्वादिष्ट लगती है कोयले की लिट्टी। और ये बिहार की देसी डिश है लिट्टी चोखा, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। देसी घी की लिट्टी खाने का मजा ही कुछ और है, मजा आ गया आज तो मुझे। बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा अंकल की लिट्टी खाने, गर्मा गर्म। ये आज लंच का प्रोग्राम में तो मेरे बल्ले बल्ले हो। हम लोगों ने अपना लंच कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा लगा। अंकल की लिट्टी बहुत टेस्टी थी, बहुत मेहनत करते हैं। और देखिए आज पटना में धूप भी बहुत अच्छी निकली है, खास ठंड नहीं है आज, ठीक है। अब मेरी छुट्टी हो गई है, अब हम निकल गए अपने ऑफिस से, चलते हैं कहीं घूमने। आज सैटरडे, आज मेरा हाफ डे होता है। देखिए गाइस आज हम जा रहे हैं सिटी सेंटर अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने, ठीक है, मिलते हैं सिटी सेंटर में। देखिए गाइस हम फाइनली सिटी मॉल पहुंच गए हैं लोदीपुर, और अब इसमें करते हैं शॉपिंग। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से, बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है। चलते हैं अब इसके अंदर। देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू है।
पहुंच गए।